मेरी शादी लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। इस लव स्टोरी की शुरुआत होती है जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल पहुंचा, तब मैंने थोड़ी देर तक अपनी नज़र नहीं उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरे चारों तरफ कुछ रिश्तेदार बैठे थे। तभी अचानक मेरी नज़र मेरे सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की मुझे देखकर मंद मंद हंस रही थी। उस समय मैं दूल्हा बना था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर लगे हुए टीके में कोई गलती नहीं है। तभी मैंने अपने जीजा को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े तथा ललाट पर लगा हुआ टीका सही है या नहीं? तब जीजा जी ने जवाब, सब कुछ ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो। थोड़ी देर बाद जब मैं मंडप के नीचे जाकर बैठा, उसी समय वह लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद वह मुझसे छेड़छाड़ करने लग गई। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं उस लड़की से कुछ नहीं कह पा रहा था। काफ़ी देर छेड़छाड़ तथा मजाक करने के बाद मैं उस लड़की से कहता हूँ, अगर आपको मैं अधिक पसंद हूँ तो आप भी मुझसे ही शादी कर लो। इतने में वह लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा? फिर मुझे पता चला कि यह लड़की रिश्ते में मेरी साली लगती है। काफ़ी देर मजाक वाली बातचीत करने के बाद मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ। तब वह लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम संजना है। थोड़ी देर बाद शादी में रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी के बाद से मेरी और संजना की काफ़ी जान पहचान हो जाती है। रिश्ते में साली लगने की वजह से वह मेरा मोबाइल नंबर ले लेती है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 3 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को घर वालों से मिलाने की रस्में पूरी करने के लिए ससुराल ले गया। मैं वहां जाकर चुपचाप कमरे में बैठा हुआ था, तभी संजना मेरे पास आकर बैठ जाती है। संजना मुझसे बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह मुझसे मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।